विश्व महिला दिवस पर आपने फेसबुक पर पोस्ट तो डाला ही होगा। महिलाओं के सम्मान में इस दिन बहुत कुछ लिखा पढ़ा जाता है। हो सकता है ऑफिस में महिला सहकर्मियों की छुट्टी हो और आस पड़ोस में ढेरों सम्मान वाले प्रोग्राम, लेकिन महाराष्ट्र के ठाणे में एक छोटे से गांव फगाने के लोगों ने विश्व महिला दिवस पर अपने गांव के बुजुर्ग महिलाओं को अनूठा उपहार दिया। उनकी अपनी आजीबाईची शाला, हिंदी में कहें तो दादी माँ का स्कूल। ये शाला बहुत खास है क्योंकि यहां दाखिले की उम्र कम से कम 60 साल है और इस स्कूल में पढ़ने के लिए आने वाली सभी 30 छात्राएं, मतलब हमारी आजीबाई 60 से 90 की उम्र की हैं, जो किसी न किसी कारण पढ़ नहीं पाई। अपने वेब शो सारे जहां से अच्छा के आज के सफर में मैं प्रकाश झा आपको लेकर चलूंगा आजीबाईची शाला में। रमाबाई गणपत खंडांगळे, सीताबाई बंधू देशमुख, अनुसया वाळकू केदार। सुनहरी किनारी वाली गुलाबी साड़ी, माथे पर कुमकुम की बड़ी सी टिकली और हाथ में स्कूल का बैग लेकर गांव की आजीबाई अपनी शाला में पहुंचती हैं। 2 घंटे की अपनी क्लास में मराठी और गणित में सबक सीखती हैं और ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को देखते ही उनकी बूढ़ी आंखें चमकने लगती हैं। आठ मार्च को ये स्कूल चालू हुआ तब यहाँ के टीचर है स्कूल में योगेंद्र बांगर करके, उन्होंने पूछा क्या आप पढ़ा सकती हो क्या जियो को। तो पहले मुझे लगा कि आसान होगा पढ़ाना, लेकिन जब स्कूल चालू हुआ सभी आजिया स्कूल में आने लगी तो समझ में आया कि आजियो को पढ़ाना कितना मुश्किल है। मला लिहिता वाचता येत नव्हतं, सही काढता येत नव्हती, तेव्हा सरांनी आजीबाईची शाळा काढली, मग आम्ही शाळेत यायला लागलो। सगळे आजीबाई यायला लागल्या शाळेमध्ये, आम्हाला चांगली मजा वाटायला लागली। आम्ही आरानी होतो, काही येत नव्हतं आम्हाला, आता आल्यापासून आम्हाला सही पण काढायला लागलो, मुलाक्षर पण काढायला लागलो, काहीतरी आम्हाला पुस्तक येईन वाचता बालभक्तीचा। आजीबाईची शाला में इन 30 महिलाओं के साक्षर बनने से ये गांव 100% साक्षर हो गया। साक्षरता मिशन से बढ़कर ये एक खूबसूरत शुरुआत है। आजीबाई सीताबाई की पोती उनके लौटने पर मिले होमवर्क को पूरा करने में मदद करती है। आजीबाई को पढ़ाना बच्चों को पढ़ाने से कम मुश्किल नहीं है। इनकी दीदी इन्हें पढ़ाती कैसे हैं? किसी दादी को हम बोले कि नहीं आपको क्यों नहीं आता बार बार पढ़ाने से भी, तो उनको गुस्सा आ जाता है, इसलिए सबको प्यार से एक एक दादी को पास बैठा के पढ़ाना पड़ता है। कई दादी ऐसी है जिनके हाथ कांपते हैं, उनको लिखने नहीं आता, तो उनका हाथ हाथ में पकड़ के पढ़ाना पड़ता है, दिखाई कम देता है तो पास बिठा के, मतलब एक एक दादी को पढ़ाना पड़ता है। इस स्कूल में हर आजीबाई ने अपने नाम का एक पेड़ भी लगाया है जिसकी देखभाल वो खुद करती है। तो उनको
उसको पेड़ पौधों से बहुत प्यार है, तो पेड़ के वजह से तो मतलब रोज आती है स्कूल, सबको पेड़ एक एक पेड़ दिया, वो अपने अपने पेड़ की मतलब देखभाल करती है। अभी हमारे स्कूल में 30 थे, एक दादी मतलब बीमार थी तो गुजर गई, तो अभी 29 है सभी, 29 आजिया है। ये एक खूबसूरत पहल है, काश ऐसी शाला देश के हर गांव में हो सके। हमारी दादी, नानी या फिर माँ जो किसी कारण से कुछ कर नहीं पाई, अब कर सके। शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती, ना कोई बहाना, हर दिन कुछ नया सीखने की बेचैनी अच्छी बात है। तो आप भी बेचैनी बनाए रखिए, कुछ सीखिए, और सीख चुके हैं तो सिखाइए। ऐसी ही शुरुआत हिंदुस्तान को बनाती है सारे जहां से अच्छा।